ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने 20,000 प्राइस में एक नया स्मार्टफोन परचेज करना है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग एक नया स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं। हर किसी का बजट होता है, किसी ने 15,000 का करना है, किसी ने 10,000 का, कई लोगों ने 20,000 का परचेज करना होता है। लेकिन आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको 20,000 प्राइस में बताने वाला हूँ कुछ अच्छे ऐसे स्मार्टफोन हैं। देखो दोस्तों, आज के टाइम में बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं, लेकिन इतने सारे स्मार्टफोन में से एक ही स्मार्टफोन तो हमने लेना है, लेकिन वो एक स्मार्टफोन कौन सा ले, इसके बीच में हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे बढ़िया स्मार्टफोन कौन सा होगा। आज की वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरा डिटेल वाइज बताऊंगा कि कौन कौन सा स्मार्टफोन किस चीज के लिए अच्छा है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा जो पुराना माइक था ना, वो गाइस खराब हो चुका है, जो पहले वीडियो में आपने देखा था। लेकिन अब मेरे पास माइक बिल्कुल भी नहीं है, और आप लोग के लिए कुछ टाइम के लिए, जब तक मेरे पास नया माइक नहीं आ जाता, तो आप लोग के लिए ऐसे ही भाई बिना माइक के वीडियो बनाऊंगा। बट हाँ, आप लोग तो सपोर्ट करोगे। और दोस्तों, शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। यह है Realme Narzo 70 Pro। Realme का फोन जब भी आपने देखा होगा कि कितने ज्यादा अच्छे अच्छे फोन होते हैं, वो भी वैल्यू फॉर बजट में, बट ये 20,000 बजट में ये फोन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 2024 का नया फोन है। इसमें डिस्प्ले का साइज 6.7 इंचेस का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दी गई है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, और कैमरास में भी हमें 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 3 कैमरास मिलते हैं, बैक के रियर कैमरास, जिससे हम 4K में वीडियो बना सकते हैं 30 FPS में, और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट का कैमरा दिया गया है। इसमें 1080 वीडियो हम बना पाएंगे। फोन में हमें बैटरी भी बहुत अच्छी मिलती है, 5000 mAh की बैटरी है, 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है, और ये फोन आप गेमिंग के लिए कैसी परफॉर्मेंस देगा, जो कि बहुत सारे लोग सोचते हैं, और गेमर्स खासकर ये फोन के बारे में जानना चाहते हैं। और गेमर्स के लिए अब मैं बताना चाहूंगा सबसे अच्छा प्रोसेसर, जो कि MediaTek Dimensity 7050 का इसमें प्रोसेसर दिया गया है। आप आराम से इसमें BGM भी होगी, बाकी सारी गेम्स को अच्छे तरीके से रन करवा पाओगे। इस फोन में 8GB की रैम है, 128GB वाला ये वेरिएंट है, और 19,999 रुपीज का आप ये परचेज कर सकते हो। बहुत अच्छा फोन है, तो जरूर आप इसको चेक कीजिए। और दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 9 की। 9th नंबर में है हमारा Realme 12 Plus। देखो, Realme का ये वाला जो 12 Plus, ये भी दोस्तों एक लेटेस्ट फोन है। इस फोन में भी हमें वैसे ही सेम वाइज फीचर मिलते हैं जो हमें पहले फोन में मिलते थे, लेकिन इसका जो प्राइस है बस 100 रुपया कम हो चुका है। यहाँ पर 6.67 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। ये कर्व डिस्प्ले वाला फोन नहीं है, फ्लैट डिस्प्ले वाला ही है, बट ये पंच होल की डिस्प्ले के साथ आता है। 6.67 इंचेस की FHD+ AMOLED डिस्प्ले दी गई है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है इस फोन में, और 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल के 3 कैमरास मिलते हैं। इसमें भी 4K वीडियो मिलती है, और ये जो नया फोन आया है और ये वाला फोन है, इन दोनों फोन के बीच में फीचर देखोगे तो एज इट इज बिल्कुल मुझे सेम लगे, और बाकी सारे फीचर इसमें सेम है, कोई चेंज नहीं है। Realme 12 Plus और पहले वाला फोन, ये दोनों में फीचर बिल्कुल एज इट इज सेम है, तो दोनों में आप कोई भी फोन अगर चेक करते हो तो दोनों में कोई भी ले सकते हो। ये फोन आपको मिल जाता है 19,899 रुपीज का। तो आप लोगों का वक्त मैंने खराब नहीं किया, इसलिए मैंने एज इट इज आपको बता दिया पहले फीचर के बारे में, जो आप लोगों ने जाना वही फीचर सेम इसमें मिलते हैं। अब नेक्स्ट फोन की बात करते हैं। नंबर 8 पे हमारा आता है Vivo T3। Vivo का ये वाला जो फोन है, इस फोन में भी हमें फीचर्स अच्छे मिलते हैं। देखो, इस फोन में हमें पंच होल की यहाँ पर डिस्प्ले प्रोवाइड की जाती है, जो कि 6.67 इंचेस की साइज के साथ आता है। FHD+ AMOLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 50 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल के 2 कैमरास है, 5000 mAh की बैटरी, और ये वाले फोन में 44 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है। गेमिंग के लिए प्रोसेसर MediaTek Dimensity 7020 का मिलता है, 8GB रैम, 128GB वाला ये वेरिएंट है, जो कि आपको 19,999 रुपीस का फोन मिल रहा है। तो ये सारे फोन के मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप नेक्स्ट फोन के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो गाइस, बात कर लेते हैं नंबर 7 फोन की। ये है IQ Z9। तो 9, देखो, IQ के फोन कब आए थे, जब PUBG लॉन्च की गई थी उस वक्त IQ का नाम आया था। ये फोन मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ जिन लोगों ने गेमिंग करनी है, गेमिंग करने वालों के लिए ये फोन बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें सबसे बढ़िया बात यही है, यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिल जाती है पंच होल के साथ, 6.67 इंच की FHD+
प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले प्रोवाइड की जाती है। 50 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल के ड्यूल प्राइमरी कैमरे मिलते हैं। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट का कैमरा है जिसमें आप 2K वीडियो बना सकते हो और फ्रंट के कैमरे से 1080 एंड 1920 पिक्सल में वीडियो बना सकते हो। 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी दी गई है। इसके साथ 44 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है। अगर आप इस फोन को गेमिंग के लिए दोस्तों कंपैरिजन करके देखो तो इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 7020 का प्रोसेसर दिया गया है, तो गेमिंग में आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। जैसे आप लोग गाइस गेम खेलना चाहते हो तो स्मूथ गेमिंग आपकी होगी। फोन अगर आप बहुत ज्यादा लार्ज और हाई बाई साइज की गेम खेलते हो तो फोन आपसे डेफिनेटली कोई भी ले लो हीट करेगा, चाहे आईफोन ही हो लेकिन वो भी हीट करेगा। सैमसंग का फोन ले लो वो भी हीट करेगा। हर फोन हीट करता है अगर आप बड़ी गेम खेलते हो। तो ये फोन आपको मिल जाता है 8GB रैम 128GB वेरिएंट वाला 19,999 रुपीज का। पूरे 20,000 का फोन है, 1 रुपया ज्यादा नहीं है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पर दबाओ और आराम से परचेज करो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 5 फोन की, Xiaomi Redmi Note 13। तो दोस्तों ये फोन लॉन्च हुआ था 4 जनवरी का 2024 को। तो ये वाले फोन के बीच में हमें मिलते हैं जो अच्छे फीचर्स हैं। यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है एक AMOLED डिस्प्ले, 6.67 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। 1 billion ऑफ कलर के साथ 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, इसमें 1000 नाइट्स पीक ब्राइटनेस प्रोवाइड की गई है। अगर इसकी रेजोल्यूशन देखो 1080 एंड 2400 पिक्सल के बीच में रेजोल्यूशन प्रोवाइड की गई है। अगर देखोगे कि इसके साथ हमें कॉर्बिंग ग्रिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। और इसके साथ अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको एंड्रॉइड वर्जन 13 मिल जाता है जो कि लेटेस्ट है। तो इसके बीच में चिपसेट भी मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 का चिपसेट दिया गया है। सो गेमिंग में अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। अगर आप बीजीएम पबजी वगैरह गेम खेलते हो तो उस गेम के बीच में एक अच्छे आपको ग्राफिक्स आएंगे। अच्छे ग्राफिक्स मीन्स कि आप एक्सट्रीम तक के ग्राफिक के बीच में आराम से खेल पाओगे, जो कि बहुत ही अच्छी चॉइस होगी। 90 fps के ग्राफिक्स के बीच में थोड़ा सा बड़ा प्रोसेसर लगता है तो उसके लिए प्राइस भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो 20,000 में ये एक अच्छा फोन है। तो यहाँ पर प्रोसेसर भी अच्छा मिल चुका है, इसके साथ हमें मेमोरी मिलती है। दोस्तों ये फोन आता है 8GB रैम के साथ, 128GB वेरिएंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके साथ बात करते हैं कैमरास की, यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का कैमरा या 2 मेगापिक्सल का कैमरास मिलते हैं, साथ में LED फ्लैश। आप इसमें 1080 में वीडियो बना सकते हो 30 fps के बीच में। 30 fps में 1080 में वीडियो बहुत अच्छी बनती है। वैसे मैं बताऊं तो मैं भी भाई फोन के बीच में ही बनाता हूं वीडियो। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये भाई 1080 वीडियो है। तो इसके साथ सेल्फी का कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है, इसमें भी आप 1080 में वीडियो बना सकते हो 30 fps में। और इसके साथ हमें साउंड का भी भाई अच्छा ऑप्शन मिल चुका है। लाउड स्पीकर देखोगे तो यार लाउड स्पीकर 3.5mm का जैक मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलते, बट फिर भी यार नॉर्मली हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ दोस्तों बात करें 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। अगर आप ये फोन परचेस करते हो ये 17,999 का मिलता है, 18,000 के बीच में ये फोन मिल रहा है। 18,000 में बहुत अच्छी डील है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इसको चेक कर सकते हो ये फोन को। वैसे अच्छा फोन है, 5G फोन है। तो ये फोन तो आपने देख लिया, बट अभी नंबर 4 पे फोन आया है मोटोरोला मोटो G73। दोस्तों ये मोटो के फोन वैसे ऑब्वियसली बताऊं कि यार इतने बढ़िया भाई फोन होते हैं ना, पता नहीं भाई लोग पसंद क्यों नहीं करते। वैसे मैं कहूं कि ये जो फोन है ना, ये फोन इतना ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है गेमिंग में, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, इसमें रिफ्रेश रेट भी बहुत ज्यादा मिल रही है। तो यहां पर बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की। दोस्तों इसके बीच में हमें एक कॉर्बिंग ग्रिल्ला ग्लास भाई प्लास्टिक बैक पैनल के साथ मिलता है। वैसे बैक के पैनल के पीछे प्लास्टिक है। और वैसे डिस्प्ले की वाइज बात करें, 6.5 इंचेस की आपको डिस्प्ले दी गई है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, बट ये AMOLED डिस्प्ले नहीं है, IPS LCD डिस्प्ले है। इसके साथ बात करें इसमें एंड्रॉइड वर्जन 13 का मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो चिपसेट भी हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 930 का मिल चुका है। 6nm का ये प्रोसेसर है, बट 930 का भाई अच्छा प्रोसेसर है, बेकार नहीं है। तो इसके साथ मेमोरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 8GB की रैम मिलती है, 128GB वेरिएंट मिलता है, 256GB वेरिएंट भी आप ले सकते हो, तो आपके लिए वो चॉइस है। तो यहाँ पर मेन कैमरे की बात करते हैं, 50 megapixel 8 megapixel के 2 कैमरे मिलते हैं LED फ्लैश के साथ। इसके साथ हम 1080 में वीडियो बना सकते हैं 30 fps एंड 60 fps। इसलिए मैंने इसको नंबर 4 पे रखा क्योंकि इसमें 60 fps का ऑप्शन दिया गया है, तो उसके बीच में 30 fps का था लेकिन इसमें 60 fps का मिल रहा है। तो यहां पर दोस्तों लाउड स्पीकर की बात करें तो इसमें भी थोड़ा चेंज किया गया है। तो इसमें लाउड स्पीकर के साथ हमें स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, साउंड की क्वालिटी बहुत नेक्स्ट लेवल होगी। तो 3.5mm का जैक भी दिया जा रहा है, सो कि गेमिंग वगैरह जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं तो उनके लिए एक वायर वाले हेडफोन लगाने के साथ अच्छा वॉइस का सिस्टम आता है, तो इसलिए 3.5mm का जैक इसमें प्रोवाइड किया गया है। और इसके साथ बैटरी 5000 mAh की मिलती है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। अगर आपको ये फोन पसंद आया मोटो G73, ये आप परचेस कर सकते हो 14,999 का, 15,000 बजट के बीच में बहुत अच्छी डील है। और 8GB रैम 128GB वेरिएंट भाई 15,000
बाजार में कहीं पर भी गाइस मिलेगा नहीं इतना अच्छा प्रोसेसर वाला रिफ्रेश रेट वाला, तो ये फोन आप जरूर परचेज कीजिए। अगर आपको इससे बेस्ट फीचर्स और चाहिए तो नेक्स्ट फोन आप चेकआउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट फोन आ जाता है नंबर 3 पर, टेक्नो कैमन 20 प्रो। वैसे टेक्नो के फोन दोस्तों, टेक्नो पोवाइस का जो फोन आया था वो भी अच्छा था 15,000 बजट के बीच में, बट ये वाला जो फोन है टेक्नो कैमन 20 प्रो दोस्तों, ये 2023 का फोन जरूर है। 9 मई को दोस्तों ये फोन लॉन्च हुआ था, बट ये फोन में अभी भी देखा जाए तो फीचर वगैरह जिस बजट के बीच में ये दे रही है ना कंपनी, भाई बहुत ही ज्यादा बजट और वैल्यू फॉर मनी फोन है। तो इसके बीच में बात करते हैं कुछ फीचर्स की। यहां पर 6.67 इंचेस की आपको डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है, साथ में एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। देखो इस बजट के बीच में एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है भाई, पूरी भाई डिस्प्ले है ऑल ओवर। तो यहां पर बात करते हैं परफॉर्मेंस की। एंड्रॉइड वर्जन 13 है, इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8050 का दोस्तों प्रोसेसर मिलता है, सो कि बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। गेमिंग में आपको दोस्तों 90 FPS के ग्राफिक्स तो नहीं देगा, बट आपको एक्सट्रीम तक के ग्राफिक्स दे देगा बीजीएम में, पबजी के बीच में, सो कि अच्छी चॉइस है। तो 20,000 के बीच में इज द बेस्ट फोन। यहां पर कैमरास मिल जाते हैं 64 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल के दो कैमरास मिलते हैं। इसके साथ 1080 वीडियो बना सकते हैं और 30 FPS। वैसे इसके साथ हमें 60 FPS में वीडियो बनाने का ऑप्शन मिलना चाहिए, 4K वीडियो क्वालिटी मिलनी चाहिए, बट इन लोगों ने नहीं दिया। सर बैटरी आपको 5000 mAh की मिलती है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट। ये आपको फोन मिल जाएगा 19,999 का, पूरे 20,000 में ये फोन मिल रहा है। 1 रुपया ज्यादा नहीं, 1 रुपया कम नहीं, बट 20,000 के बीच में इज द बेस्ट फोन। तो ये फोन तो आपने देख लिया, बट अभी सेकंड नंबर पे जो फोन है ये है लावा अग्नि 2। तो लावा अग्नि 2 आप लोगों ने 21,000 के बीच में बहुत सारे लोगों ने परचेस किया, बट अभी इसका प्राइस ड्रॉप हो चुका है, तो ये फोन आप जरूर चेकआउट कीजिए। और ये फोन दोस्तों बहुत ही ज्यादा बढ़िया फोन है, एक कर्व डिस्प्ले वाला फोन है ये वाला। तो इसके बीच में जो फीचर्स मिलता है वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि लावा ने भाई अभी जो इस बजट के बीच में जो फोन में फीचर दिए हैं तो ऑब्वियसली भाई अप्रिशिएट करते हैं ये फोन को। तो यहां पर बात आते हैं कुछ फीचर्स की। यहां पर 6.78 इंचेस की आपको मिलती है डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले मिलती है 1 billion of colors 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। इसके साथ अगर रेजोल्यूशन देखा 1080 एंड 2400 के साथ दोस्तों रेजोल्यूशन प्रोवाइड की गई है, और ये आती है 388 ppi के साथ डेंसिटी के साथ। अगर दोस्तों यहां पर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें एंड्रॉइड वर्जन 13 है, इसके साथ मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 का प्रोसेसर है। अगर यहां पर देखेंगे इसके बीच में मेमोरी कार्ड का ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है, तो 256 GB इंटरनल स्टोरेज 8 GB रैम वाला ये फोन है। इसके साथ हम बात करें कैमरास की, यहां पर 50 MP 8 MP 2 MP 2 MP के 4 कैमरास मिलते हैं। इसके साथ ड्यूल LED फ्लैश के साथ हमें भाई एक 4K वीडियो क्वालिटी देने वाले भाई कैमरास मिलते हैं, जो कि हम 30 FPS में वीडियो बना सकते हैं। अगर 1080 बनाएंगे तो 30 एंड 60 FPS के बीच में हम वीडियो बना सकते हैं ये वाले फोन से, तो कि बढ़िया चॉइस है। 4K वीडियो क्वालिटी अगर हमें इस बजट के पीछे फोन में मिल रही है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। सेल्फी का कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है, साथ में 1080 वीडियो बना सकते हैं 30 FPS में। और आपको लाउड स्पीकर का दोस्तों ऑप्शन मिलता है, लाउड स्पीकर स्टीरियो स्पीकर नहीं है बट लाउड स्पीकर का ऑप्शन मिलता है, बट इसके साथ आपको 3.5 mm का जैक नहीं दिया जा रहा है। अगर आप वायर वाले हेडफोन्स लगाना चाहते हो तो ये फोन के साथ आप नहीं लगा सकते। वैसे सी टाइप पोर्ट के बीच में अलग से भाई एक टूल आता है, उसको आप कनेक्ट करके सी टाइप पोर्ट अपने चार्जिंग जैक के बीच में लगाकर आप वायर वाले हेडफोन्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आपने ये वाला फोन लेना है, तो इसके लिए भी आपको सोल्यूशन बता दिया है अगर आप वायर वाले हेडफोन ही यूज करना चाहते हो। अगर यहां पर बैटरी देखो तो 4700 एम्पीयर की बैटरी दी गई है, साथ में 66 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। 66 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, आपका फोन भाई 25 मिनट के बीच में पूरा चार्ज हो जाएगा। ये फोन भाई मिल रहा है 17,999 का, 18,000 में गाइस ये फोन मिल रहा है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला गाइस फोन, एक बढ़िया आपके लिए 13/5G बैंड्स के साथ ये फोन भाई सपोर्ट करता है। तो ये फोन ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप ये 18,000 में परचेस कर सकते हो। अगर आपको ये फोन अच्छा लगा तो आप इस फोन को जरूर चेकआउट कीजिए और परचेस कीजिए, क्योंकि ये फोन पहले आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, अभी दोबारा से इसका नया स्टॉक आया है ये फोन का अमेज़न के ऊपर, तो आप इसको ये वाला फोन जरूर बाय कीजिए। दोस्तों आप लोग सोच रहे हो कि नंबर 1 पे फोन कौन सा आएगा, देखो नंबर 1 पे आ चुका है वीवो IQ Z7S। IQ के फोन ऑब्वियसली भाई जब पबजी आई थी ना उस टाइम के पीछे IQ का, लेकिन IQ के भाई फोन इतने ज्यादा बढ़िया थे, इतने नेक्स्ट लेवल। यहां पर आपको प्रोवाइड की गई है 6.38 इंचेस की एक एमोलेड डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, रिफ्रेश रेट इसकी थोड़ी कम है, बट इसमें जो नाइट स्पीक ब्राइटनेस है वो 1300 की आपको नाइट स्पीक ब्राइटनेस मिल रही है, जो कि पहले फोन में इतनी ज्यादा नाइट स्पीक ब्राइटनेस नहीं मिल रही थी। 1080 एंड 2400 आपको रेजोल्यूशन प्रोवाइड की गई है, 413 ppi के साथ डेंसिटी प्रोवाइड की गई है। अगर इसमें प्रोटेक्शन देखोगे तो आपको स्क्रॉट एक्सटेंशन ग्लास प्रोवाइड किया गया है ये फोन में। तो यहां पर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, एंड्रॉइड वर्जन 13 है, तो गेमिंग के लिए प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर दिया गया, सो कि अच्छा प्रोसेसर है, गेमिंग में अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। इसके साथ बात करें इसकी स्टोरेज की, 8 GB रैम 128 GB वाला ये वेरिएंट है। तो यहां पर मेन जो कैमरास है, बैक के कैमरास 64 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल के कैमरास है, सो कि हमें
LED फ्लैश के साथ तो मिलते हैं, बट ये 1080 वीडियो सपोर्ट करते हैं 30 FPS में। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी का कैमरा है जो कि 1080 वीडियो सपोर्ट करता है 30 FPS में, और साउंड की क्वालिटी भी बहुत ही वेल है, और 3.5 mm का जैक भी हमें दिया जा रहा है। वायर वाले हेडफोन लगाने का ऑप्शन ऑब्वियसली इसमें है। तो इसके साथ जो सेंसर है अंडर डिस्प्ले सेंसर ऑब्वियसली हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं बैटरी की, 4500 mAh की बैटरी है, 44 वाट की फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट है। और ये वाला फोन दोस्तों जो है ना, ये फोन मैं बताऊं तो ये फोन आप जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि IQ के फोन्स वैसे भी दोस्तों विदाउट लैग परफॉर्मेंस देते हैं, कैमरा हो गया या फिर कोई और चीज होगी, तो हर एक चीज के लिए दोस्तों बढ़िया इसके बीच में फीचर्स दिए गए हैं। अगर आपको ये IQ का फोन पसंद आया तो ये आप 17,000 के बीच में फोन परचेस कर सकते हो। वैसे ये सारे फोन के मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। ये 5 फोन बताया, 5 फोन के बीच में जो भी फोन आपको अच्छा लगा तो वो फोन आप परचेस जरूर कीजिए। और इसके साथ ना मुझे नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि अभी मैंने वैसे 20,000 अराउंड के बीच में फोन के बारे में बताया, तो आपका एक्चुअली में बजट कौन सा है, और कोई बजट के बीच में भी आप फोन परचेस करना चाहते हैं नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो। तो आज की वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। तो अब मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।